Hello and welcome to my video, which is based on translation basics of Persian grammar and translation. ये इस सीरीज का यानी ग्रामर और ट्रांसलेशन पे होने वाला ये पहला लेक्चर है मेरा. इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो लिटरेचर पे बेस्ड रहे हैं जिसमें हमने बातचीत की थी. आज का जो लेक्चर है वो ख़ास तौर से ऐसे बच्चों के लिए है जो फ़ारसी, बुनियादी फ़ारसी सीखना चाहते हैं. हमें दो चीज़ें याद रखनी चाहिए अगर हम कोई भी ज़बान सीखना चाहते हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो है वोकैबुलरी. अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, यानी कि आपके पास अगर वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, तो मुश्किल हो जाती है. और दूसरा फिर क्या है कि आप उसकी तरतीब क्या रखेंगे, उसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर क्या है, उसका दस्तूर क्या है. हमें बहुत बुनियादी फ़ारसी ज़बान के बारे में हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे ईजी लैंग्वेजेस में से एक है. उसकी एक वजह है, बहुत ख़ास वजह ये कि इसमें सिर्फ 6 तरह के सेगे का इस्तेमाल होता है. जब हम सेगा कहते हैं तो पर्सन है ना, यानी कि ये कि जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ जो चेंज करेगा उसकी सिर्फ 6 वैरायटी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उर्दू में जब आप कहते हैं कोई लड़का जा रहा है, जा एक लड़के का मूवमेंट है, तो वो जा रहा है होगा. अगर कोई लड़की है तो जा रही है होगा. लेकिन फारसी में जेंडर की वजह से वर्ब चेंज नहीं होता. तो ये बहुत बुनियादी चीज़ें, हम इसके आगे के वीडियोस में डिटेल में जाके देखेंगे. आज जो हमें देखने की और समझने की कोशिश करनी है वो ये कि अगर हमें वोकैबुलरी के कलेक्शंस भी करने हैं तो किस तरह से करने हैं और कहाँ से हमें शुरू करने की ज़रूरत हो सकती है. दो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए. एक तो ये कि हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स यानी ये कि जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो भी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देख पाते हैं, तो उसका एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए. दूसरा क्या है, जो प्रनाउंस हैं आपके, जो भी प्रनाउंस हैं, ये, वो, मैं, तुम, हम, है ना, तो जो सब्जेक्ट्स में जिन प्रनाउंस का इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास एक कलेक्शन पहले से होना चाहिए. तो इसकी शुरुआत हम लोग यहीं से कर सकते हैं. बहुत बहुत सिंपल है, है ना. जो प्रनाउंस है आप वो देख लीजिए. अगर इंग्लिश के टर्म्स में देखें, आई, वी, यू, इसको सिंगुलर के फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को प्लूरल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, और शी या ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए प्लूरल में जब आप जाएंगे तो दे का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये प्रनाउंस है, इसके आपके पास इक्विवेलेंट्स होने चाहिए. मैं अभी इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, है ना. मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के सिंपल वर्ड्स आपके पास हैं कि नहीं. मन, मा, शुमा, है ना, या ऊ, अन्हा, है ना, इस तरह के वर्ड्स आपके पास होने चाहिए. एक बात हो गई. दूसरी क्या कि आप कोई भी सेंटेंस कब मुकम्मल बोल पाएंगे, जब आपके पास वर्ब्स का कलेक्शन है, है ना. कोई सेंटेंस बगैर वर्ब के मुकम्मल नहीं हो सकता. और एक वर्ब से आप मुकम्मल सेंटेंस कह सकते हैं. जैसे आपको अंग्रेजी का एक वर्ड है गो, गो जब आप कह देते हैं, यानी उससे गो, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है. इसमें आपको पता है कि इसका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ छुपा हुआ है. तो वर्ब का कलेक्शन मतलब ये हुआ कि कॉमनली यूज्ड वर्ड्स में कुछ इस तरह के वर्ड्स, और दूसरा साइड जो है वो इस तरह के जो आपके पास वर्ब्स का कलेक्शन है, ये आपके पास होना चाहिए. तो इसको सबसे पहले ध्यान में रखें. एक बहुत ही ईजी बुक है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आमदनामा कह के उसको लोग कहते थे. यानी ये कि जहाँ पे आपके पास मसादिर का कलेक्शन है वो अगर आपके पास है ना, तो बहुत ईजीली आप लैंग्वेज को सीख पाएंगे. फारसी में वर्ब्स के लिए जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो मस्तर, तो मस्तर का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए. और फिर हम बहुत इजीली ग्रामर को शुरू कर सकते हैं. हम आज के लेक्चर में सिर्फ इतना देखने की कोशिश करेंगे कि वर्ब्स के साथ
कैसे इंटरप्ले होता है सब्जेक्ट का, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल कर लिया है तो उसके लिए वर्ब्स किस तरह से चेंज हो जाता है, ये आज के लेक्चर में देखेंगे और फिर किसी और वीडियो में फिर डिटेल में जाएंगे। मैंने जैसा कि बताया था आपसे कि प्रोनाउंस हमारे पास, आपके पास प्रोनाउंस का कलेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन के लिए मन है ना, सिंगुलर में, और प्लूरल में माँ, ठीक है, ये आई वी। उसी तरह से यू का इस्तेमाल जो है वो हम लोग फारसी में शुमा लिख के करते हैं यू के लिए, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होता है। इस यू का एक और ख़ास इस्तेमाल जो फारसी में है वो ये कि आप रेस्पेक्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो प्लूरल के फॉर्म में होता है। अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन लिटरल देखेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा क्या आप जा रहे हैं, है ना। तुम का इस्तेमाल फारसी में ना के बराबर होता है, हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि पुरानी जो क्लासिकी फारसी है उसमें तो का इस्तेमाल हमें मिलता है। और फिर जो थर्ड पर्सन है उसमें ही या शी के लिए ऊ का इस्तेमाल करते हैं, और इसी का जो प्लूरल है दे उसके लिए अनहा का इस्तेमाल करते हैं। मस्तर अगर कोई भी है आपके पास, मस्तर की पहचान जो है वो आखिर में ऐसे वर्ड्स जो एक्शन वर्ड्स हैं जिससे आप किसी काम के होने या करने की तरफ इशारा है, और फारसी में आम तौर से उसकी पहचान दन या तन लगा हुआ होता है। अगर आप उसके नून को हजफ कर दें तो ये हमेशा पास्ट के सिंपल फॉर्म की तरफ इशारा करेगा, और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, यानी गुफ्त का मतलब हो गया ऊ गुफ्त, यानी ये कि उसने कहा। ये हमें बेसिक एक चीज है जिसको समझने की जरूरत है। हम अगर इस चीज को समझ रहे हैं, नून को हजफ करने के बाद जो पोर्शन बच रहा है वो आपका इशारा कर रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की तरफ। जब कभी भी हम मस्तर के नून को हजफ कर दें तो ये उस तरफ इशारा कर देगा, यानी इसके पहले ही या शी छुपा हुआ है। ठीक उसी तरह से अगर इसके प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अनहा, तो हमें नून और दाल का इजाफा करना होगा, और ये कॉन्सिस्टेंटली किसी भी तरह के जुमले के इस्तेमाल में, जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा थर्ड पर्सन का तो हमें इसका इजाफा करना पड़ेगा, यानी ये कि ये गुफ्त तंद हो जाएगा। तो जब कभी भी कोई जुमला जिसमें मस्तर के या मुजारे के आखिर में नून दाल अगर लगा हुआ है तो वो इंडिकेट करेगा कि दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, मतलब अनहा, उन लोगों ने, उन सब ने, इस तरह का सेंस देगा। जब हमारे पास ये थर्ड पर्सन है, जब सेकंड पर्सन है अगर सिंगुलर है, यानी जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि तो का इस्तेमाल होता है, उसका जो निशान है वो हमेशा या लगा रहता है, यानी यहाँ गुफ्त था आपके पास तो उसमें आप या लगा दीजिए, गुफ्ती। अगर इसी का प्लूरल है तो या और दाल लगा दीजिए आप, ये
और ये फिर इसके प्लूरल की तरफ इशारा करेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कभी भी हमें रेस्पेक्ट शो करना होगा तो हम फारसी में इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी भी बड़े आदमी के लिए तो का इस्तेमाल अवॉइड करते हैं, अब तो मॉडर्न पर्शियन में हम तो का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या वाले जो कंपोनेंट्स हैं फेल के साथ, मस्तर या मुजारे के साथ, वो अब मॉडर्न पर्शियन में राइज नहीं है। ज़्यादातर जगह पे आपको सिर्फ या दाल यानी रफ्तीद, गुफ्तीद, खुरदीद, इस तरह के आमदीद, नए आमदीद, है ना, इस तरह की चीज़ों का ही आपको इस्तेमाल मिलेगा। और फिर जब फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी शनाख्त जो है वो आखिर में मीम, यानी अगर गुफ था तो गुफ तम, है ना। ये मीम इशारा करेगा कि ये जो है ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और अगर माँ की तरफ है तो ये फिर या और मीम उसके आखिर में लगा रहेगा, यानी गुफ तीम, यानी ये के हम लोगों ने कहा। ये इस चीज़ को मैं फिर दोहराने की कोशिश करता हूँ आपसे। जो भी बच्चे फारसी सीखने समझने की कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, यहाँ से शुरू करें। शुरू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी आप देखें कि सिंगुलर नंबर है ना, किताब, आदमी, औरत, मर्द, है ना, मैं, तुम, वो, आप पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, सब्जेक्ट के पर्सन को आइडेंटिफाई करें, है ना। पर्सन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, ठीक है। पर्सन तीन तरह का हो सकता है। एक वो जो बोल रहा है, स्पीकर है ना, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा जो स्पीकर है। जैसे जब भी स्पीकर क्या कहेगा, मैं, है ना, या हम लोग, इस तरह से बात करेगा वो। तो मैं, हम लोग, हमारा, मेरा, ये सारी चीज़ें फर्स्ट पर्सन है, यानी स्पीकर है। तो वो हमेशा मीम, उसकी जब भी बात आएगी तो उसके आखिर में हमेशा मीम या मीम का सेगा लाएंगे ही लाएंगे, बिला किसी झिझक के। तो अगर कहीं ये चल रहा है कि फर्स्ट पर्सन है तो हमें मीम या मीम लाना पड़ेगा। एक बात हो गई। फिर हमें क्या देखना है, अगर सिंगुलर है तो मन यानी आई, और उसके लिए हमारी शनाख्त क्या है, मीम है, और अगर प्लूरल है तो माँ। अब एक टेक्निक है, अंग्रेजी में लोग फिसल जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा माई फादर, मेरे वालिद आज कॉलेज गए। अब माई फादर क्या है, कई बार लड़के ये मिस्टेक करते हैं अंग्रेजी में माई फादर को फर्स्ट पर्सन, क्योंकि माई का कॉम्पोनेंट है या मेरा हमारा का कॉम्पोनेंट है। हमें ये समझना चाहिए कि जो स्पीकर है वो नहीं कह रहा है, स्पीकर किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा है जो उसका फादर है। मेरी किताब, माई फादर, इस तरह की बात कर रहा है। तो वहाँ पे पर्सन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एक बार पर्सन आइडेंटिफाई कीजिए, स्पीकर फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है यानी जो जिससे आप मुखातब हैं वो सेकेंड पर्सन है, उसको हमेशा आप कैसे कहेंगे, तुम या आप कह के मुखातब करेंगे। तो हमारे लिए दो चीज़ है, अगर हमारे पास तो कह के कह रहे हैं तो या, है ना, रफ्ती, खोरदी, औमदी, है ना, इस तरह की चीज़ें होंगी, वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगा कि आप किसी सेकंड पर्सन को मुखातब है, उसको आप एड्रेस करके कोई चीज़ कह रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी उसका जो उसकी जो शनाख्त है वो उसको इस तरह से आइडेंटिफाई करके लेके आ रहे हैं। उसका प्लूरल फॉर्म है, यादा लगा दे रहे हैं तो गुफ्तीद, रफ्तीद, खोरदीद, ये हो जाएगा। और इन दोनों के अलावा जिस किसी चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं वो आपके लिए थर्ड पर्सन है। किताब, कॉपी, कोई चीज़ जो कुछ भी है जो आपके सामने नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे वालिद, मेरा घर, है ना, तुम्हारा भाई, है ना, तो वो सब सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो थर्ड पर्सन हो जाएंगी, जो ना आप हैं, ना स्पीकर है, और ना वो है जिसको आप एड्रेस करके कोई चीज़ कह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें थर्ड पर्सन के ज़ुमरे में आती हैं, और वो अगर सिंगुलर है तो फिर हम सिर्फ मस्तर के नून को हज़फ कर देंगे और उससे हमारा काम चल जाएगा, और अगर प्लूरल के लिए कहना चाह रहे हैं तो हमेशा नून डाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, और मस्तर का कलेक्शन रखें डे टू डे यूजेज में। एक आखिरी बात, और फिर मैं आज की बात को यहीं पे ख़त्म करूं। मैं दोहरा देता हूं जहां से मैंने शुरू किया था कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें मैंने बिल्कुल शुरू में जो आपसे कहा कि
दो बातें कि अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपके पास कॉमनली यूज वर्ड्स मैंने लिखा था, और दूसरा ये कि वर्ब्स का कलेक्शन होना चाहिए। तो आप एकदम आसानी से शुरू करें, डेली रूटीन में आपके ये शामिल हो, डेली मिनिमम 10 वर्ड्स है ना जो कॉमनली यूज्ड हैं, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, और 10 वर्ब्स जो आप करते हैं, आना जाना, खाना पीना, सुनना उठना रहना चलना फिरना, ये जब तक आपके पास नहीं होगा आप कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोल पाएंगे। तो इसको ये एकदम याद कर लीजिए कि रोज़ाना करने की ज़रूरत है। आप इसको एक नोटबुक में लिख के याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसकी एक डायरी बना लें, डेली आप उसको लिखें, रिवाइज करें। होगा क्या, 15 से 20 दिन में आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा, आप उसको भूल चुके होंगे, उससे परेशान बिल्कुल मत होइए। आप दोबारा वापस जब कभी आपको नए अल्फाज से आपकी मुलाकात होगी, जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो वो फिर आपके लिए रिविजन का काम करेगा। आप इसको करके देखिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियोस जब इस तरह के ग्रामर या ट्रांसलेशन के बेस्ड वीडियोस पे आएंगे तो फिर डिटेल में जाके हम आगे के स्टेप वाइज देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे उन वर्ड्स की तरतीब सलीके से रख के ग्रामर सीख सकते हैं। मैं फिर दोहरा दूँ कि फारसी की जो ग्रामर है वो दुनिया की सबसे ईजीएस्ट ग्रामर में से एक है। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इनफ एंड लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू सो मच। आई एम जावेद अख्तर फ्रॉम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन